आज एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, नीतीश नायडू से पीएम ने बातचीत की है। नीतीश कुमार और नायडू को पीएम ने न्योता दिया है बैठक में शामिल होने के लिए। और केंद्र में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, इस बात को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात सुनिश्चित करते हुए कहा है कि फिर से तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनेगी। तो देखिए, आज बड़ी बैठक भी होने वाली है एनडीए की, एनडीए की भी बड़ी बैठक होगी, तो वहीं इंडी की भी बड़ी बैठक आज होने वाली है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। तो देखिए, जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा है कि विपक्ष एकजुट होकर भी बराबरी नहीं कर पाया है एनडीए की। मोदी ने कही, उन्होंने कहा है कि किस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ, लेकिन बावजूद इसके एनडीए की बराबरी नहीं कर पाया है। चुनावी नतीजों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इसी तरह से आगे काम करते रहेंगे, आत्मनिर्भर भारत के लिए आगे काम करते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि बड़े फैसलों से पीछे नहीं हटेंगे, भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी रहेगा। और आगे उन्होंने कहा है कि गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे, किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। पीएम ने ये बड़ी बातें आज ये कही हैं चुनावी नतीजों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का ये बयान दरअसल सामने आया है। और उन्होंने कहा कि विरोधी एकजुट होकर भी बराबरी नहीं कर सके। तो देखिए, एनडीए ने तीसरी बार जीत हासिल की है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही मोदी ने अपनी 100 गारंटी बताई है, और कैसे वो तीसरी बार अपनी कसम पूरी करने जा रहे हैं वो सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।